हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ ईवा और आपको मेरा चैनल पे स्वागत करती हूँ। और अभी हो रहे हैं लंच टाइम, तो आज हम लोग क्या क्या बना रहे हैं लंच पे उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और मेरे साथ बने रहिएगा। ये है टमाटर चटनी। टमाटर को मैं गैस पे जला दी थी और धो ली हूँ अच्छा से। उसके बाद अभी इसमें डाले हैं टमाटर है, और ये है प्याज, लहसुन, हरा मिर्चा, नमक और सरसों का तेल। इसको अभी हम लोग मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद आधा हम लोग के घर में जो बम्बू का जो होता है ना, हम लोग उसको तो हैंडवा बोलते हैं, तो आधे नहीं खाते हैं उसको, तो उसको भी डालेंगे, और जो नहीं खाते उनके लिए अलग से बना देंगे। ये है हंडवा, और हम लोग इसको अभी ये टमाटर चटनी में डालेंगे। आप लोग क्या बोलते हैं इसको बताइएगा दोस्तों। हम लोग तो खाते हैं, अच्छा है, नेचुरल। इसको कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ, पर मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर बता रही हूँ। इसको बांस काट लेते हैं, उसका इसको छोटा छोटा बना के इसको थोड़ा सुखाते हैं, उसके बाद में इसको डब्बा में भर के रखते हैं। इसको सालों साल आप लोग रख सकते हैं, और ये इसका स्वाद जो होता है थोड़ा खट्टा सा होता है। इसको आप धनिया और जो टमाटर चटनी है उसमें भी दे के बना सकते हैं। अदर इसको हम लोग जो ड्राई फिश होता है उसके जो हम लोग सुखुआ बोलते हैं उसमें भी आप लोग डाल के बना सकते हैं, उसमें भी बहुत टेस्टी लगता है। या फिर जो हम लोग का जो कच्चा फिश होता है उसको फ्राई कीजिए तेल में, उसके साथ में भी इसको आप मिला के बनाइए, तब भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। यहाँ पे हम लोग हिंडुआ को मिक्स कर दिए और बना दिए। मेरी दीदी और हम लोग बाबू नहीं खाते हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रख दिए हैं। राइस और दाल, ये है साग, ये है टमाटर चटनी, और ये मिक्स सब्जी। ये है आज का लंच।